आज का दिन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। मां महिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो हमारे जनजातीय समाज आदिवासी भाई बहनों को और पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया है, एक समाज को जो उच्च स्थान दिया, एक पूरे देश के हर वर्ग को आज ये महसूस होता है कि इस देश में सबके लिए स्थान है, सबके लिए मौका है। एक नया इतिहास जो भारत को आगे बहुत तेज गति से बढ़ाएगा, इसमें भारत में राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या विश्व में भारत की साख हो, हर प्रकार से भारत का एक उज्जवल भविष्य के प्रतीक के रूप में आज हमारी महामहिम जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत इतने उल्लास के साथ पूरे देश ने किया है। मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको एक बहुत बड़ा उत्साहजनक देश के लिए एक ऐसा संदेश दिया है जो वर्षों वर्षों तक रखा याद रखा जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में अगले कुछ ही दिनों में 3 हफ्ते के बाद जब देश 75 वर्ष आज़ादी के मनाएगा तो एक वो जो कमी रह गई थी वो भी पूरी हो गई कि इस देश ने इतने बड़े समाज को इतना उच्च स्थान देना, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। आपके माध्यम से मैं हर एक को बधाई दूंगा। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हम सबके लिए एक नया इतिहास रचेंगी, देश के लिए नया इतिहास रचेंगी और आगे चल के देश को एकजुट करना, देश को एक साथ पिरोने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा।